YouTube channel. I hope you all are doing great and I'm also fine. आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी अल्कोहल की कैलकुलेशन, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ 50% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल कुड बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 1 लीटर ऑफ 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल. इसका देखो क्या मतलब हुआ. 50% मतलब 50% मीन्स 50 ml ऑफ अल्कोहल है उसमें और 50% आपके पास वाटर है. एक फॉर्मूला है बहुत ईजी है, C1 है 50% और V1 आपके पास आपको पता करना है कितना वॉल्यूम है उसका. वैसे C2 था उसका 95% वॉल्यूम है, मतलब 95% अल्कोहल है, और V2 उसमें वॉल्यूम कितना है 1000 ml से हमने उसको क्या किया था, मेकअप किया था. देखो तो क्या हुआ कि इसका फॉर्मूला है C2V2 by C1. C2 कितना था 95% और V2 कितना था 1000 ml. एंड क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं तो 1000 ml लिखा हमने. C1 कितना है 50%, तो बहुत इजी है. 95 100% मीन्स 100. 95 by 100 50 by 100. 100 से 100 कैंसिल कर दो, 95 से जब 50 को डिवाइड करोगे तो आएगा 1.9 आया. तो इसको क्या करोगे, 1000 ml से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ गया 1900 ml. तो इट मीन्स इसमें क्या बोल रहा है कि 50% अल्कोहल के लिए उसमें कितना वॉल्यूम है हमारे पास, उसमें टोटल वॉल्यूम है 1900 ml. सो ये कैलकुलेशन बहुत इजी है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले. थैंक यू.